दोस्त नमस्कार। तो स्वागत है आप सबका नीलम कुमारी चैनल पे। तो दोस्त आज थोड़ी मेरी तबीयत डाउन है क्योंकि मेरा थोड़ा दांत निकल रहा है यहाँ वाला, जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। उसके वजह से मुझे बुखार भी लग गया और दांत में इतना दर्द है, मतलब दांत दर्द नहीं है, मसूड़ा सूज गया है, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। जो कि फिर भी मैं वीडियो बनाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी बनाने पर मजबूर हो गई, इसलिए क्योंकि मैंने वीडियो कल से देख रही हूँ। सालू की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो दोस्त सालू की तबीयत ख़राब होने का कारण ही है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ का लोग मजाक बना के रख दिए हैं। बात तो थोड़ी कड़वी लगेगी क्योंकि मैं शुरू से ही ऐसी बोलती हूँ, क्योंकि पहले भी उनकी ज़िंदगी का मजाक बना के रख दिए सब। अरे वीडियो वीडियो वीडियो, अरे का वीडियो, ज़िंदगी में इंसान पैसा तो कमा सकता है लेकिन इंसान नहीं कमा सकता। पैसा हाथ की मैल है, एक तरफ से आएगा और एक तरफ चला जाएगा, लेकिन इंसान एक बार चला जाएगा वो कभी लौट के नहीं आएगा। सच बात मेरी हमेशा सबको कड़वा लगेगी, क्योंकि अभी कहते नहीं है, अभी दो चार दस दिन पंद्रह दिन महीना दिन भी नहीं हुआ, एकदम समझ लीजिए बावली बना के रख दिए लोग, मजाक बना के रख दिया। अरे उनसे पूछिए, वो जो उस ज़िंदगी से गुजरते हैं, उस हालत से निकलते हैं, आप लोग को तो सिर्फ वीडियो वीडियो सूझ रहा है। अरे कितना परेशान है रजनी जी की सेवा करने में, क्योंकि वो तो एक माँ है ना, वो भी समझ रही हैं। लेकिन और मत पूछिए, ठीक है। तो हम एसके कन्हैया जी से ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें, अगर आप लापरवाही करेंगे ना तो नुकसान आपको ही होगा, हमको नहीं होगा और ना ही किसी को होगा, सिर्फ आपको होगा, समझ गए। अगर किसी का कुछ बिगड़ता है ना, अगर उनके साथ कुछ होता है तो जानते हैं उसकी जिम्मेदार आप हैं। कन्हैया सहानिया जी, हम आपसे बात कर रहे हैं, आपके ही बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि कल के आप मुझे गुस्सा भी करेंगे ना, मुझे तकलीफ़ नहीं होगा, क्योंकि किसी के साथ खिलवाड़ करना अच्छी बात नहीं। वो आपकी आपका परिवार है, आपकी पत्नी है, और आप उनका एकदम ढिंढोरा मत बना दीजिए, ठीक है ना। खुशी तो भगवान ने दिया है आपको, लेकिन खुशी तब जाहिर होगी जब खुशी के साथ साथ माँ और बच्चा सेफ होगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल लापरवाही मत कीजिए, अगर उनको कुछ होता है तो बच्चों को भी हो जाएगा, अगर उनको बुखार हो जाएगा सालू को तो बच्चे को तुरंत पकड़ लेगा, क्योंकि दूध का जो जरिया होता है ना वो तुरंत बच्चे पे आ जाता है, ठीक है। और रजनी जी कब तक बच्चे को दूध पिलाएंगी, क्योंकि वो बेचारी कब तक पिलाएगी हैं, क्योंकि सालू को भी तो दूध पिलाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि आगे चल के उनकी परेशानी हो जाएगी, दूध टूट जाएगा, दूध नहीं होगा, फिर आगे परेशानी बढ़ जाएगी। तो और बाहर का दूध बच्चों को पिलाना जो कि सही नहीं होता, वो तो इंसान मजबूरी में पिलाता है, नहीं तो कोई किसी को शौक नहीं होता, क्योंकि उनका खान पीन में ध्यान रखिए आप। हे महारानी, ये हमारी हैं, घूम फिर के आएंगी, पैर पे ही लगेंगी, ये दिखा रही हैं कि हम आ गए हैं, चल उधर मारूंगी कान पे। अभी ब्लॉग जब भी बनाती हूँ, जब भी आ जाती हैं, तो हमारा सिद्धांत यही है कि हम जल्दी किसी को बोलते नहीं हैं, और आपको इसलिए बोलते हैं, बोल रहे हैं, क्योंकि अगर हम आपको नहीं जानते, नहीं पहचानते, आपसे मेरी बातचीत नहीं होती, आपसे मिलके नहीं आए होते, तो शायद मुझे इतनी तकलीफ़ नहीं होती, समझ गए। तकलीफ़ हर इंसान को होती है, क्योंकि जो इस दर्द से गुजरेगा ना, उसको ही पता होगा ये तकलीफ़ क्या चीज़ होती है। तो आपसे यही कहेंगे, आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप जो है उनका ध्यान रखिए और उनको अभी सेफ रखिए, क्योंकि नाजुक शरीर है,
अगर वो रोएंगी तो समझ लीजिए आगे चल के आप पे भारी पड़ जाएगा, क्योंकि सर में दर्द होना, रोना, आँख से कम दिखाई देना, क्योंकि यह सारी नसें नसें खुली हैं, नाजुक शरीर हो चुकी है, ठीक है ना। तो आप उनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अभी बाहर ना निकालें, ठीक है। आपके लिए कह रहे हैं और बस इतना ही कहेंगे, ध्यान आप ही रखेंगे, अगर लापरवाही करेंगे तो उसका भुगतान आप ही करेंगे, क्योंकि हम नहीं आ पाएंगे, कोई नहीं किसी के पास, बहुत करेगा कि आप आ जाएगा, बना देगा, खिला देगा, संभाल देगा, लेकिन जो दर्द है, जो तकलीफ़ है, वो दर्द तकलीफ दलदल से आप गुजरोगे, ठीक है ना। इसलिए आपको कह रहे हैं कि उनका ध्यान रखिए और उनको अभी ज़्यादा बाहर की हवा ना लेने दें। बच्चे का ध्यान रखें क्योंकि बच्चा अभी बहुत ज़्यादा नाजुक है और मौसम ख़राब हो रहा है। बच्चे को अगर सर्दी जुखाम बुखार पकड़ लिया तो लेने की देनी पड़ जाएगी, क्योंकि आजकल मौसम बहुत ख़राब चल रहा है। तो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके बीवी के लिए वीडियो है, तो सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, यही कहेंगे। और बाकी आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, बाय।